दुख ना कोई यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े तेरे नाम बहुत ज्यादा लेकिन स्पोर्ट बहुत कम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। आप देख रहे हैं इस वक्त नदीम खान ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं, नदीम खान ऑफिशियल ने हमेशा कोशिश की है कि ऐसे लोगों को आपसे मिलवाए, ना सिर्फ मिलवाए बल्कि उनके बारे में आप जान सकें कि उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज कब, कहां से और कैसे किया और कितनी मुश्किलात पेश आई और आज वो किस मुकाम पर हैं और किस वजह से हैं। तो आज हमारे साथ जो खूबसूरत नौजवान एक जुड़वा भाई हमारे पास मौजूद है, सरप्राइज की बात ये, इससे पहले भी एक जुड़वा बहने आपके सामने मुतारिफ करवा चुका हूं, लेकिन आज एक ऐसे नौजवान हमारे साथ मौजूद है जो कि दोनों ही जुड़वा हैं लेकिन सुरतार उनकी एक है, उनकी अदात एक है और एजुकेशन में भी वो महारत रखते हैं लेकिन वसाइल की कमी होने के वजह से आज तक वो किसी आला मुकाम पर नहीं पहुंचे। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हनी ब्रदर्स हनान शबीर और नुमान शबीर। आजकल बड़ी तेजी से वो शोबिस इंडस्ट्री और शोबिस हलका में देखे जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनसे कुछ सुनते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बोलते भी कठिन। आप पहले तो ये बताएं कि इस वक्त आज आप हमारे पास नदीम खान ऑफिशियल पर आज आपका इंटरव्यू है, सबसे पहले तो सामने आपके देखने वाले चाहने वाले हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नदीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मैं यहाँ पे बुलाया। टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लेकिन स्पोर्ट बहुत कम किया जाता है, तो नदीम भाई इनका NK ऑफिशियल चैनल है और ये बहुत अच्छे तरीके से जो टैलेंट है उसको प्रमोट कर रहे हैं और मुल्तान के जितना टैलेंट है वो इनके दस्त बदस्त जिसे हम कह सकते हैं वो आगे निकला है। तो हमारी इनसे मुलाकात हुई थी तो हम इनके बड़े शुक्र गुजार हैं कि इन्होंने हमें कल ही इनवाइट कर लें यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच। और जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इनका NK ऑफिशियल चैनल है यानी कि नदीम खान ऑफिशियल, सो प्लीज आप इनके चैनल पर जाइए और बाकी वीडियोस भी देखिए और हमारी वीडियो को भी देखिएगा। थैंक यू सो मच जी। आप बताइए। मेरा नाम नुमान शबीर है और निकनेम नोमी। हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपने वहां देख के बात कर जी। नदीम भाई का थैंक यू, शुक्रिया इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और कल एक इवेंट पे हमारी इनके साथ मुलाकात हुई थी तो इन्होंने इस काबिल समझा हमें बुलाने के लिए और थैंक यू नदीम भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप माशाल्लाह इतने मुझे सरीले लगे यार कि मेरा जी चाह के मैं आपको दुनिया के सामने लाऊं। आपकी शफकत है ना, ये अगर ये बात अगर हमारी ऑडियंस जितनी है वहां हमारे व्यूअर्स है, ये तो आप कह रहे हैं कि हम सुरीले हैं, हमें नहीं पता है। नहीं व्यूअर्स ये सुरीले भी हैं, अभी आपको इनकी आवाज में इनको इनको बताना है और इनसे पूछना है आपने थ्रू नदीम भाई के कि इनके चैनल से आपने हमें देखना और आपने बताना है कि हम इस काबिल हैं कि नहीं। बड़ी देर से नदीम भाई हम ये कर रहे हैं लेकिन नहीं कोई स्पोर्ट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे व्यूवर्स आपको पसंद भी करते हैं, नौजवान नस्ल को जो है वो प्रमोट भी करते हैं, आपको सुनना भी चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं यानी, तो आप में से बड़ा कौन है और छोटा कौन? भाई बड़े। कितने बड़े? एक घंटा। नहीं यार, एक घंटा पहले नहीं, क्या जरूरत है? अच्छा दोनों आ सकते हैं, आजकल की सहूलत है जी, आ सकते हैं, पांच पांच भी आ सकते हैं। चलो आप अगर आ गए तो क्या हो गया? भाई एक घंटा बड़ा। अच्छा आपका ताल्लुक कहाँ से? ओकाड़ा सिटी से। ओकाड़ा सिटी में माशाल्लाह कितने अरसे से आपको ये शौक, कैसे मतलब आप घराने से इजाजत है, आपको माँ बाप आपके इजाजत देते हैं? जी है, घराने से होने के पीछे तो क्या लेना कि होता है कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, ये खास आप नहीं है। नहीं वो काम नहीं है, बस ये है कि हमें बचपन ही से शौक था, जब से हमने ऑक्शन मार ली तो स्कूल में इवेंट हो रहा कोई छोटा मोटा तो उसके बारे में उन्होंने हमारे डिस्कस कर लिया, हमने पार्टिसिपेट करना उसके अंदर, नाद पढ़ने के उन्होंने कहना जी ले आओ हनी को बुला के ले आओ हनान को ले आओ, तो हमने वहाँ परफॉर्म करना, तो वहाँ पे इतना पता नहीं था कि यार हम गा सकते हैं, ठीक है टीचर्स ने बड़ा हमारे लिए क्लैप हो रही तो हमने वहीं पे खुश हो जाना कि यार बड़ा अच्छी काम कर देता है। लेकिन जिस तरह बड़े हुए करते रहे, मेहनत करते रहे, आगे इवेंट भी करते आ रहे हैं,
लेकिन प्रोफेशनली अभी हम अभी नहीं कर पाए कोई भी। ये जो शबीर नाम आपके आगे रहते हैं, ये फलक शबीर को देखते तो कहीं? नहीं नहीं, मेरे पापा का नाम है। अच्छा, पापा का नाम है, इनके रियल पापा का नाम है जी फलक शबीर साहब। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बताइएगा कि एजुकेशन मस्ट है, तो आपने उस तरफ भी को ध्यान दिया कि नहीं? जी जी जी, एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीकॉम किया है स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड के साथ, लेकिन उसके आगे मैं नहीं पढ़ सका। क्या वजह? वसाइल की कमी, इस वजह से मैं नहीं पढ़ सका। तो बाबा अकेले करने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि यार मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप पढ़ो आगे, लेकिन आपको पता है हम उनके बच्चे हैं, उनको देख तो रहे हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं, जितनी एफर्ट उनसे हो रही है हमारे लिए वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीकॉम किया है, एफए कम्प्लीट है। आप एक घंटा लेट सिंगर, ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने एफए किया हुआ सिंपल, तो ये व्यूअर्स को भी जी जी एफए किया सिंपल, तो फिर उसके बाद नहीं कोई पापा का बना और इतना नहीं कर सके। हमने भी देखा है कि पापा ने बहुत सारी एफर्ट किया हमारे लिए, सपोर्ट भी किया, अभी भी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हमें तरक्की मिल जाए किसी तरीके से भी, और वो अपनी हर कोशिश कर रहे हैं, हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं जिंदगी भर, लेकिन मसाइल की। आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि आपके अंदर जो कला है इससे आप इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं इंशाल्लाह। ये घर जो कह ले, हम दोनों भाई ना इसे कह रहे हैं कि सीक्रेट सुपरस्टार है। एक वक्त था बेंजामिन सिस्टर का जी जी, हम सीक्रेट सुपरस्टार हैं। इनके सुना है बड़ों ने, तो किसी ने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, लेकिन नहीं। जो अब हम इसलिए इस चैनल पे आए हैं कि ताकि अवाम हमें देखे और अवाम ये फैसला करे कि क्या हम आगे जा सकते हैं कि नहीं। अप्रिशिएट किया नदीम भाई, सपोर्ट नहीं की। अच्छा, ये बताइए तौर पे आप किसी को कॉपी करते हैं या अपनी कोई चीज भी आपने तैयार की है? नहीं, अपनी काफी गाने हैं हमारे, लेकिन वो आपका अपना गाना ऑफिशियल तब बनता है जब आप उसे ऑफिशियली तौर पर रिकॉर्ड करवा दो। अगर हम आपको वैसे वो सुना देंगे, वैसे अगर हम गाएंगे ना, तो आवाम के ऊपर से गुजर जाएंगे इन्होंने क्या सुना दिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नुसरत अली खान साहब को भी गाता हूँ, मैडम को भी हम गाते हैं। बाकी जो आजकल के गाने चल रहे हैं वो तो आपको पता है, हर बंदे का टेस्ट है, तो उस लिहाज से वो भी गाने। वैसे आप लाइक किसे करते हैं, इंस्पायर किन से हैं? नुसरत साहब से ही है। नुसरत साहब से हैं जी, उनका काफी कलाम वगैरह सुनते हैं, जाते भी। क्या लगता है, अभी आप इतने फेमस नहीं है, अभी आप मशहूर नहीं है, तो जब इवेंट्स में जाते हैं तो लोग आपको किस तरह लेते हैं? आपको कोई पजीराई रहती है परफॉर्मेंस के बाद? लेकिन वो यही है कि आपको पता है कि आजकल पैसे का दौर है, स्टैंडर्ड का दौर है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके पास गाड़ी है, आप आए हो तो हर बंदा आपके पीछे पीछे चलता फिरेगा, चाहे आप कुछ भी नहीं है। तो अगर एक फेमस पर्सनैलिटी, एक अच्छा टैलेंटेड बंदा उधर आया है, तो जाहिर सी बात उसके पास व्हीकल नहीं है, उसने आना है तो वो कपड़े भी अच्छे नहीं है, बाय ऑटो आया या किसी गाड़ी के थ्रू वहां पे आया, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सिर्फ ये है कि यार गाना लगा तो गवा के फर्क करो, नहीं फर्क यार, ये लोग गलत नजरिए से इस चीज को देखिए। सादा तबीयत है और गरीब घराने से ताल्लुक है, लेकिन अज़्म उनका आगे निकलने का है, और देखते हैं कि इनके गले में कितना सुर है। जो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया कि क्या आया, ये अच्छा गा भी पाते हैं, तो क्या ख्याल है, इनसे कुछ सुन लिया जाए, कुछ हमें हमारे व्यूअर्स को सुनाइए, कुछ आपके अंदर को टैलेंट है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल सुनाए, बिल्कुल सुनाए, इजाजत बिल्कुल इजाजत दीजिए, आपको पूरी इजाजत सुनाए। मैं जिंदे लई तेरे नावे बुला, जिंदे लई तेरे नावे दुला, दूर हुण ना जा, आजा वे चन मई आजा, ना जा तू दूर हुण ना जा, ओ मेरे सोने आ मेरे मेहर मानिया, दिल जानिया
चल सावे तेरा रावे मुख चल सावे कर दा तुटाल मटोला जिंद लई तेरे रब दिसो मेरे सुन मैया तू ते मेरा पहला पहला प्यारे रब दिसो मेरे सुन मैया तू ते मेरा पहला पहला प्यार वे तेरे बाजो चन्ना मैनू जग दिसे बेकार वे बड़े मेरी बावे बदते अगावे बड़े मेरी बावे बदते अगावे सजड़ा तू कादा हुंदा ओला जिंदे लई तेरे आपने देखा जो मैंने इंट्रोडक्शन का दिया था, मैं तो बड़ा मुतासर हुआ। आप कितने मुतासर हुए हैं आप अपने कमेंट्स में हमें अपनी राय में बताएंगे। और ये बताइएगा कि जब आप दोनों इकट्ठे गाते हैं तो ये करंट कब बनता है, या आप सिंगल सिंगल भी गाते हैं? नहीं, सिंगल भी गा लेते हैं। सिंगल भी गाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपको, मैंने सुना माशाल्लाह ऐसा लगा जैसे आप प्रोफेशनल सिंगर हैं, तो आप इसके लिए बकायदा कोई रियाजत करते हैं या आप ऐसे गुनगुनाते रहते हैं? जी जी नहीं, मैं बिल्कुल, अगर किसी काम की आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर ही बंदा कुछ बनता है। हाँ जी, प्रैक्टिस ही बंदा कुछ बनता है। कैसे करते हैं रियाजत, मतलब आप सुबह उठ के निहारो? मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, घर वाले बिल्कुल तंग हो जाते हैं हमसे कि यार क्या है, सुबह सुबह उठ के अभी नाश्ता भी नहीं होता, तो नमाज के फौरन बाद पापा तो शॉप पे चले जाते हैं, तो हम दोनों भाइयों का काम ये है कि हमने बैठ जाना है, तो बस इस तरह ही कोई भी गाना पकड़ लेगा या उस पर आवाज लगानी है। आप दोनों में से अपने अंदर ताम से किसको पाते हैं? तो आप एक घंटा पहले हैं तो आपके सुर तो और भी ऊपर होने चाहिए, तो क्या ख्याल है? बिकॉज आपने देखा ये सिर्फ अच्छा गाते नहीं है, दोनों फ्रेंड भी हैं, आपस में बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, एहतराम भी रखते हैं। सवाल ये है कि हमारे मुआशरे में जबकि जर्मन फनकार, जर्मन आर्टिस्ट, गुलकार मौजूद हैं, तो उनके लिए वो जराए मौजूद क्यों नहीं है जिनसे ये लोग आगे जा सकें? तो यार मैं चाहता हूँ कि आप एक सिंगल हमें सुनाएं ताकि हमारे व्यूअर्स और महसूस हों, और आपको कोई ना कोई कॉल करे हमें कि आप हमें ये हनी ब्रदर्स चाहिए, फलक शब्बीर की तरह हनी ब्रदर्स भी हिट हो जाए, तो आप कोई फतेह साहब का कोई हमें कोई कलाम सुनाए। मैं आपको वो सॉन्ग सुना रहा हूँ, ये लास्ट टाइम ड्रामा सीरियल भी काफी लीक आउट हुआ है, सबको पसंद भी आया है, उसमें राहत अली खान साहब ने जो गाने किया माशाल्लाह वो बहुत सुपर हिट रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं सुनाऊँ, आपको पसंद आएगी। भूल जाने का मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो
सभी नक्शे मिटाते जाओ, चलो रसमयी सही मुड़ के मुझे देख तो लो, को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। जीना है के हमारे नाजरीन, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो आपको बिल्कुल लाइक इसके बाद करेंगे, हमें कमेंट्स भी आएंगे, वो आपने अपना एफबी पेज, कोई सोशल मीडिया पे अपना कॉन्टेक्ट या इस तरह की कोई चीज? जी, हमारा यूट्यूब पे पेज है मेरे नाम से, हनी माही ऑफिशियल। जी, मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है जी, हनी माही ऑफिशियल। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आप हमारे चैनल को विजिट करें तो इंशाल्लाह जितनी वीडियोस है आपको मजा आएगा सुन के। थैंक यू सो मच। और आप एक छोटा सा अंतरा आपकी एंट्री, क्योंकि आप एक घंटा लेट हैं, तो एक घंटा लेट किसी का, किसी का यार नाम से। हाँ जी बिल्कुल। किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, एस तो डाडा दुख ना कोई, एस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने भी बहुत कमाल गाया। एक ट्विंस मैसेज हमारे व्यूअर्स को दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं अपने दिल की बात। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की है, सो मैं दोबारा फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार जो टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए। हमने आपको दो सॉन्ग सुनाया है, मैंने भी सुनाया, लहंगा भी सुनाया, मेरे भाई ने भी सुनाया और हमने डुएट भी किया है। सो काइंडली आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें इस काबिल अगर समझते हैं तो प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें और हमें इस काबिल समझें कि हम आगे निकल सकें। और दूसरी बात यह है कि मैं नदीम भाई का बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूँ, जिन्होंने, यानी पहले भी शुक्र गुजार था और एंड में फिर शुक्र गुजार नदीम भाई आपका, कि आपने हमें इस काबिल समझा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और आपकी बदौलत हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और लास्ट पर रिक्वेस्ट मेरी ये है कि भाई का अपना चैनल है एनके ऑफिशियल, सो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाके चैनल को विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बस करना इतना है कि आपने, इतने सुरीले लोग हमारे साथ, हमारे आसपास रहते हैं, मैं उन तमाम दोस्तों से जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये समझते हैं कि जेन्युइनली आर्टिस्ट है तो आप अगर कहीं ना कहीं ऐसा सोर्स है, कोई ऐसे जराए हैं जिसकी वजह से ये लोग पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं और स्टेबल भी हो सकते हैं, तो मैं ये सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप बिल्कुल इनके पेज पे जाएं और इन्हें रब्ता करें, इन्हें प्रमोट करें, इन्हें आगे लेकर जाएं। नदीम खान ऑफिशियल सिर्फ यही करता है कि उन जेन्युइन आर्टिस्टों को आपके सामने लाता है और उनकी जिंदगी के बारे में आप जानते हैं,
जिन लोगों को आप इससे कबल नहीं जान। कल इनसे मेरी मुलाकात हुई, जी चाह कि इनके बारे में एक प्रोग्राम दूं, तो सो मैंने इसे कमिट किया था कल और आज वादा पूरा किया। नदीम खान ऑफिशियल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलें। इंशाल्लाह इसी तरह से बहुत खूबसूरत सेलिब्रिटी, ये सेलिब्रिटी हमारी, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग अपनी आवाज़ के जादू से पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करेंगे, और उस वक्त भी हम इनसे कोई ऑटोग्राफ मांगने के लिए जाएंगे और प्रोग्राम करेंगे। तो हमारी दुआएं हैं, बेस्ट विशेज हैं इनके लिए, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इन प्यारे से बच्चों को आप प्रमोट करें। अपनी अगली किसी सेलिब्रिटी के साथ फिर दोबारा से मुलाकात करूंगा, उस वक्त तक के लिए अपने मेजबान नदीम खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।